তোর ধরতিয়ে তোর মাটিয়ে ও তোর আসমান গা, তোলা মে বন্দত হোঁ ভৈয়া তে ভূয়া কে ভগবান গা। কৃষি দর্শন কার্যক্রমকে দেখাইয়া জম্মু কিষান ভাই বহিনী মল্লা মহেন্দ্র সাহুকে জয় জোহার, রাম রাম। সঙ্গী হো, আপ সব জানত হো ছত্তিশগড়লা ধান কে কটোরা কে নাম লেকে, লেকিন ধান কে বাদ হমন কইবো তো সবলে জাদা খেতি হোথে গহুঁ কে, জেলা প্রমুখ খাদ্যান্ন রূপ মে হমন জানথন। ফের হর কিষান কে অলগ অলগ খেতি করে কে তরিকা হোথে, তকনিক হোথে। আজ হম আপ মল্লা গহুঁ কে বৈজ্ঞানিক খেতি, গহুঁ কে উন্নত খেতি কে বারে মে বড়িয়া জানকারি দেখাবো, লেকিন সবলে পহলে আপলা দেখাথন খাস খবর। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা বিগত বর্ষ 2015-16 সে স্টার্ট হুয়া হয়, খরিফ 2016 সে। ইসমে কিষানোকে খরিফ সিজন মে জিতনে খরিফ সিজন মে যো ফসল লগাতে হ্যাঁ, সবই ফসল হমারে জিলে মে অধিসূচিত হ্যাঁ, সোয়াবিন কো ছোড়কর। আর ইসমে কিষানোকে বুয়াই কে পশ্চাৎ 30 দিন কে অন্দর ফসল কা বীমা করানা হ্যাঁ। ফসল মে আগর প্রাকৃতিক রূপ সে ক্ষতি হতি হ্যাঁ তো উসকা ফসল কটাই কে আধার পর ক্ষতি কা আঙ্কলন করকে জিতনা প্রতিশত নুকসান হুয়া উসকে আধার পর জো উসকা লাগত হ্যায়, লাগত মূল্য মতলব কাস্ট লাগত জো হোতা হ্যায়, উসমে জিতনা প্রতিশত ক্ষতি হুয়া হ্যায় উসকা ক্ষতি কা মুআওজা মিলেগা। আর ইসমে সভি প্রকার কে কিষান বীমা করা সকতে হ্যায়। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना, अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। संदेश के बाद कार्यक्रम के देखैया जम्मू भाई बहनी मन के स्वागत करत हन। संगी हो, गहूँ के खेत में कहूँ खड़े हन और फुरहुर पुरवैया कहूँ चलते तो मन ला हर लेते, और ओ समय हमर किसान भाई मन मगन हो के धरती माई के जय जयकार लगाते, जय हो धरती माई हो, जय हो धरती माई की के। लेकिन धरती के बेटा किसान कभू हार माने का,
कभू हार नहीं माने। हर किसान के अलग अलग खेती किसानी करे के तरीका होते, और कुछ किसान ऐसे है जिमन मेहनत के बल में पूरा छत्तीसगढ़ में अपन पहचान बनाते और कृषक रत्न के पुरस्कार घर पा जाते। आज हमारे बीच में गेहूँ के खेती करैया राघवेन चंदेल जीवन जोन मन रिश्ता मस्तूरी के रही है इकर से आपके भेंट करा थन भैया। राम राम। राम राम भैया। आप मन कृषक रत्न हो, आपके हमारे कृषि रत्न कार्यक्रम में स्वागत है। आप लग पहलगी करथन, प्रणाम करथन। तेखर बाद आप ले जानना चाहबू कि गेहूँ के खेती के जहाँ तक बात करबू तो एक शुरुआत आप कैसे करे हो। राम राम सब भैया मल्ला। जो गेहूँ के खेती हबै ये तो हम उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चलत आते वैसे, और जौन अभी अब कुछ तकनीक बस मन हल्का फुल्का बदलत हैं, लेकिन बहुत अकन हमन तकनीक जो हबै वोला पहले भी नहीं बदले रहन, और अभी भी जो हमन के परंपरा हबै वो परंपरा मन में ही करके हमन के गेहूँ के उत्पादन लेत हबन, और हमन के परंपरा ला एकर भी हमन नहीं छोड़े हबन कि हमन के परंपरा जो हबै ओमा कम से कम खर्चा में बढ़िया से बढ़िया उत्पादन हबै जो अभी सरकार अभी चाहत हबै, और हमन के जो छत्तीसगढ़ के परंपरा हबै ओमा कम से कम खर्चा में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे लिए जाए अभी तकनीक खोजत हबै, और वो तकनीक में हमन अभी बहुत मतलब वर्षों मतलब हमन के पिताजी जमाना दादा जमाना ले खेती करत आथन, और अभी सिर्फ सुधार बीज के ही हो है। अच्छा अच्छा जी, आप ले जानना चाहबो चंदेल जी, गेहूँ के खेती करे बर कौन किस्म के भुइयां अच्छा होते। गेहूँ के खेती करे बर कन्हार डोरसा कन्हार, और किसान करा जौन भी जमीन है वो सब प्रकार के जमीन में गेहूँ के खेती कर सकत है किसान हा। सब गेहूँ के खेती मन के जौन बतर होते वह कुछ कुछ आने होते, लेकिन उत्पादन किसान कर कन्हार जमीन में करके हैं, तो किसान कर कन्हार जमीन है ही नहीं, तो कन्हार खोजी कहाँ आने बनते खरीदे थोड़े जाए। तो गेहूँ के खेती किसान हा हर जमीन में कर सकत है, लेकिन ओमा हर जमीन में कुछ कुछ तकनीक ल बदले वाला थे, और हर जो जमीन हबै ओमा अच्छा उत्पादन किसान ले सकत है। किसान भाई हो जिससे कि राघवेंद्र चंदेल जी मन बताते कि गेहूँ के खेती के जहाँ तक बात करबो तो जम्मो किस्म के भुइयाँ डोरसा कन्हार कचरी भूरी मिट्टी एमा हमारे किसान भाई मन कर सकते, और बात आते भाई तकनीक ल बदले के तो परिवर्तन संसार के नियम में ये बात ला हम नहीं कहथन, भगवान कृष्ण हाँ गीता में घलो कहे है, और किसान घलो मन आज परिवर्तन करके गंज कन उत्पादन लवत है। पूछा था नहीं मन तकनीक के बात ला कहते चंदेल जी, तकनीक के बात चला थे तो आप ले जानना चाहबो कि गेहूँ के जिन खेती के बात आते सबले पहली शुरुआत हमारे मन में थे कि बीजा कहाँ ले पाई की, और कहते ना कि स्वस्थ बीज और अच्छा उत्पादन, तो बीज के चुनाव कैसे करते हो आप मन। हाँ, बीज के चुनाव हमन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ले और एग्रीकल्चर कॉलेज ले और संगे संग में कृषि विभाग ले हम यहाँ जुड़े हबा, और एक ठीक सहकारी समिति भी मैं यहाँ चला था हबा किसान मन के जोड़ के, तब हमन सीधा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ले ही जो अभी नया रिलीज बीज हो रहे थे जो भी वेराइटी ओमन के बीज लान के हमन के खेत में डाल के देखथन कौन वेराइटी है हमन के खेत मन में सफल है, और जो वेराइटी सफल रहते ओला हमार पूरा के पूरा सब खेत में वो वेराइटी ला फिर बोनी करथन हम। अच्छा, ये जिन गेहूँ लहलाहाते कौन किस्म है। यह अभी ए वेराइटी जो है यह रतन है। ये हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो खोजे वेराइटी है यह रतन वेराइटी आए। अच्छा, अभी बिलासपुर के वैज्ञानिक मन छत्तीसगढ़ गेहूँ के खोज करे हैं, एक बारे में जानकारी आप लगा रही। हाँ, छत्तीसगढ़ गेहूँ के जो खोज करे हैं ओकर बारे में जानकारी मोला हबै, वो छत्तीसगढ़ गेहूँ दो छत्तीसगढ़ गेहूँ तीन ये दो ठीक हमारे छत्तीसगढ़ ले जो रिलीज होना है उमल अनुशंसित हो चुके हैं, लेकिन नेशनल ब्रीड में ग्रीड में कुछ टेक्निकल वश वह फंसे है। अच्छा। और वो गेहूँ के मैं कुछ एरिया में मोला वो वैज्ञानिक धेरी से सीट तो कर मैं उत्पादन भी करे हैं, बहुत बढ़िया उत्पादन है। संगी हो आप सब जानत हो कि जिन खेत में हम गेहूँ लगाता है वहाँ उत्पादन तो होबे करी, लेकिन कभी कभी हम गम नहीं मिले कि गेहूँ लगाया है भैया और वहाँ का हमारा माटी में पोषक तत्व हवा है कि नहीं है, तेखर बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। चंदेल जी मन पढ़े लिखे किसान है, और पूछा था उखर करा कि उखर खेत के मिट्टी के जांच मन करवाते कि नहीं करवाते, क्योंकि चंदेल जी बतावा गेहूँ के खेती करे के पहले आप हम जानना चाहते हैं कि आपने माटी की जाँच करवाता कि नहीं, कैसे आप लोग गम मिलते कि माँ गेहूँ की खेती बढ़िया ढंग से हुई। हाँ, मैं करीब करीब आज ले 15-20 साल पहले ले ही मैं जमीन के
रेगुलर जांच करात हवा और अभी तब सरकार है सब किसान मन बा योजना चला दे है, लेकिन ओकर पहली से भी मह जमीन के जांच करात आत हवा तेकर नाम से हमन के जो खातु के खर्चा है वह बहुत अकन बच जाते, मतलब वाहियात खातु डाले बर नहीं लगे, वाहियात खातु हमन नहीं डालन, जोन भी है मतलब नियंत्रित मात्रा में ही खाद डाल के जो उत्पादन है वो उत्पादन मन ला हमन लेते हैं। अच्छा, आप मन जिन पुरखा ले सीखे आ तेन बात ला अपना है और दूसर मन जिन आधुनिक कृषि यंत्र है और कृषि पद्धति है वह अपना है। जी, हमन पुरखा ले हमन के का हवाए हमन के परंपरा का है, परंपरा यही हवा है कि धान के बाद में गेहूं खेती करत बहुत दिन ले आथन। जो वैज्ञानिक तकनीक हवा, वैज्ञानिक तकनीक एक कथे कि सीड ड्रिल में बोनी करा, एक ठीक वैज्ञानिक तकनीक है। दूसरा वैज्ञानिक तकनीक एक कथे कि रासायनिक खाद में जावा। तीसरा वैज्ञानिक तकनीक एक कथे कि कम उम्र के धान लगा के गेहूं के फसल लेवा। ये तीन ठीक वैज्ञानिक तकनीक में मुख्य रूप से बोले जाते, जबकि हमन अभी उत्पादन जो लेथन गेहूँ के उमा जो धान के सबले अधिक उपज देने वाला जो वैरायटी हवा ओकर उत्पादन लेथन, ओकर बाद तुरंत किसान अपन खेत ले जानत रहते ओकर बतर का है, कतका दिन मैं पानी ले फोरे रही हाँ तो कतका दिन मोर खेत में ओल रही और कतका दिन में गेहूँ जाम जाही और कि गेहूँ नहीं जामही, तो ये सब किसान ला जानकारी रहते। वो जानकारी ला हमन हमर सब खेत के रख के हमन के जो पुराना ओल बचे रहते वही पुराना ओल में ही हमन गेहूँ ला उगाथन। अच्छा। तेकर नाले के हमन के 15 से 20 दिन के समय बच जाते। समय के प्रमुख रूप से ख्याल रखे पड़ते। आप जानना चाहो खेत की तैयारी किसे करते आप? हाँ, खेत के तैयारी हमन मुख्य रूप से दो प्रकार से करथन। एक तो जो हमन के धान कटिन होते ओकर बाद जो पुराना नमी रहते वो खेत में बढ़िया ओल हवे, अगर समय में बोनी के समय हो गए है तो वहाँ सीधा बीज छिड़क के सिर्फ 2 बार जोताई करके 1 बार पाटा चला देथन, ओकर बाद वो कोई विशेष तकनीक नहीं अपनान। और दूसरा जो तकनीक हवे, अगर समय ले पहली धान कट जाते तो खेत के 1 बार जोताई करथन, जोताई करे के बाद में पानी दे देथन, फिर खेत में ओल आते तब हमन गेहूं के बोनी करके जर्मिनेशन ओलब लेथन। अच्छा अच्छा, अभी लगातार देखो हमारे कृषि विभाग के माध्यम ले के उद्यान की विभाग के माध्यम ले किस्म किस्म की योजना चला थे, तो जिसे गेहूँ लगाया उसके बाद पल्लो करे परिचे तो स्प्रिंकलर है, फब्बारा है, अरे वैज्ञानिक विधि ला अपना है कि नहीं? जी, स्प्रिंकलर 1992 में हमारे छत्तीसगढ़ बने रही से, मतलब मध्य प्रदेश में रही से, तो हमर बिलासपुर में जो सबले पहली स्प्रिंकलर रही सो स्प्रिंकलर के सेट मोर करा रही से 1992 से मैं स्प्रिंकलर के उपयोग करत हवा मैं। तो गेहूँ के जो पहला और दूसरा पासी हवा ओला स्प्रिंकलर में करथन, ओकर बाद तीसरा चौथा जतका पासी है तो मतलब ढीला अपासी दे के करथन हमन। जात जात हमारे कार्यक्रम के देखिया पढ़े लिखे संगवारी मन जिनमें खेती किसानी ढेरिया थे, ऐसा आप मन किसान भाई मतलब कैसे प्रोत्साहित करना चाहता आप मन? जो उन किसान भाई मन खेती ले ढेरिया थे वो मन खर्चा कतका कन करबो बाछी का तो सबले पहली सोचते हैं, और जो उन हमन के अभी तकनीक बताते हैं वो खर्चा ज़्यादा रहते बचते कम, तेकर बाद जो भी नया शुरू करे आते हैं ओमन खेती नहीं करना चाहें, और हमन के जो तकनीक हमन अभी जो उत्पादन लेथन उमा कम से कम खर्च में बहुत, आप मन देखा तो 14-15 क्विंटल इकड़ के अभी गेहूँ हवा और एमा खर्चा जो हवा सिर्फ 2 बार जोताई हवा, 45 किलो 40 किलो DAP डला है, 1 बोरा यूरिया डला है, 15 किलो पोटास डला है और 3 किलो सल्फर डला है। काबर की हमन के अभी फिर पिछले वर्ष जांच हो है तो जमीन में हमन के सिर्फ सल्फर के जो माइक्रोन्यूट्रेंट हवा उमा सल्फर के ही बस कमी हवा, बाकी कोई तत्व के जो माइक्रोन्यूट्रेंट के कमी नहीं है, तब मैं अब सब खेत मन में सल्फर हमन डलवाए हवन। चंदेल जी, आज हमारे कार्यक्रम आके हमारे किसान भाई मल्ला अपन खेती किसानी के गेहूँ के खेती किसानी के अनुभव ला बहुत सुघर ढंग ले रखे हो, बहुत सुखद जानकारी दे हो, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम आप मन। तो संगी हो, नांगर ला जोते ला पड़ते, हम तो ही कहबो नांगर ला जोते दबावे नहीं रे तुर देहरे खुरुरिया, ए चबावे नहीं रे डोंगेरी लेटे ही मारे रे, ए राउत छोकरा डोंगेरी लेटे ही मारे रे।
आप मन कहत हो कि मैं गीत गाऊं का, मैं नहीं गाऊं भाई, हमारे कलाकार संगवारी मन आप मन पर बढ़िया गीत लेके आते, जुड़े रहो हमारे एक कार्यक्रम ले। हाँ भाई, ये गीत ल देखे सुने के बाद तो हमर मन हाँ झुमर गए, लगत है आपो मन झुमर गए हो। संगी हो, हर किसान के खेती किसानी करे के अलग अलग तकनीक होते, अलग अलग तरीका होते, इला हम आप मन करा घेरी भी कथन। गांव रिजदा विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर के किसान चंदेल जी मन घलो गहूँ कैसे लगाते पूछा था उकरण होला। चंदेल जी राम राम। राम राम आपके हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। तेकर बाद हम आप जानना चाहतन, जैसे गहूँ के खेती के बात करबो तो हमर पुरखा मन जिन खेती करे और अब खेती करत है उमा कुछ परिवर्तन नजर आप लाते। पहली खेती करन त काय भरी रहे, पानी के तो साधन उत्कन रही से नहीं है, और ओकर बर ज्यादा से ज्यादा एक कुंटल एक डेढ़ कुंटल हमन एक एकड़ में पहली पावन, और आज ले मैं करीब करीब 50 साल पहली ले खेती करता था। मोर उम्र तो करीब 70 साल के हो गए, अब मैं 50 साल ले खेती करत आ था तो वो एक एक, एक, एक डेढ़ बोरा इकड़ हो। अब वो धीरे 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 आज तक के 12 से 15 क्विंटल गेहूं के उत्पादन आते थे। पहली आयर से तो हाइब्रिड मन ये जतके सिलेक्शन बीज मन तो रिबे नहीं करी नहीं है ना, तो 65 नंबर पहली गेहूं आई ओला हमन ब्लॉक कती ले मिल मुला के देहर इन्हे साहेब मन तो नहर ले पानी उनी घला के छिड़काव कर रहे हैं, तो करीब करीब हम 5-6 क्विंटल गई। तेकर बाद हमन कर 308-227 गेहूँ मन के ए सिलेक्शन भी जाइस, तय मन के उत्पादन हमन के तो बढ़े है। और अभी तक के जौन 308 और 1553 मन के उत्पादन है, वो गेहूँ के उत्पादन अभी तक ए गेहूँ मन नहीं दे सकते। अच्छा अच्छा, और कठिया पसिया कथे गेहूँ तीखा मन का लोक मन के वो मन तो ज्यादा से ज्यादा वो कठिया पसिया 1 क्विंटल 1 एकड़ में हो है। अच्छा, भरी तो रहे भगवान भरोसा, पानी गिर दे तो 2 क्विंटल हो जाए, नहीं पानी उन्हीं गिरे तो ज्यादा से ज्यादा 1 क्विंटल ज्यादा गेहूँ हो नहीं। और जैसे अभी आप मन चर्चा में बताते रहा कि 1 से 1.5 क्विंटल इकड़ पाछू हुआ है कि आपके गेहूँ के खेती में आपके उम्र के हिसाब से कब क्रांतिकारी परिवर्तन आई जमा उत्पादन आपके बढ़ी? ये हरित क्रांति के साल ले इसे शुरू हो है गा, बोला मैं पूरा सन ल तो बोला मालूम नहीं है। बाकी जो 227 और 308 गेहूँ आई से ना उच मिले गेहूँ के एकर एकर उत्पादन मन सब बढ़त बढ़त आईन है। अच्छा, और हम मन वही मन में लगे ओकर पहली तो खाद तो रिबे नहीं करी से कुछ वही मिले सुपर फास्फेट आई से अमोनियम सल्फेट आ रही से यूरिया तो रिबे नहीं करी 100 साल तो वही मतलब थोड़ थोड़े कर करके करें तो खेती मन सब तो बढ़त बढ़त गए हैं और वो अभी तक बढ़ते जाते। अच्छा अच्छा, हमने बतावा जिसे तहिया का आप जिन गेहूँ लगाते रहा आपके बचपना में 20 साल के जब उम्र रहते हैं, अब तो आनी बानी के कृषि यंत्र आ गए, आनी बानी के जैविक खेती पर हमारे किसान भाई मन ला जोर देते, तो ऐसा विधि ला आप अपना है जैविक खेती वाला? अभी तक के तो शुरू नहीं करें, बाकी अब बोला शुरू करबो ऐसे विचार हावे काबर की अब ये गेहूँ मन उत्पादन तो थे ले सरकार ले नहीं ज्यादा तो बीज हो जाते। हाँ। अब ऐसे हमन के है कि अब जैविक खेती करबो तो थोड़ा बहुत हमन के गेहूँ बेचाही ऐसा तो बेचाए नहीं। जैसे हमन पहली पानी देथन गेहूँ जामे शुरू करते आनी बानी के खरपतवार है निंदा ही मन जाम जाते, तो एक नियंत्रण आप कैसे करता? पहली तो नियंत्रण तो ऐसे ओले में गेहूँ बोए में बहुत कम निंदा बन के नियंत्रण हो जाते, आपासी करके बाद जो ना आते ना तेकरे बर खरपतवार मन बर निंदा नाशक दवाई लागते और ओकर हमन उपयोग करत आए हन और वही मन में थोड़कन कम है। आज तक के अब करीब करीब 42-43 साल हो गए हमारे गेहूँ ले लगात। अच्छा। हमन के खेत में अभी कहूँ मिले दूरदर्शन हो कि आओ कहूँ आके देख लें। हाँ। हमन के मैं नींदा अभी तक के नहीं है। अच्छा। लगातार गेहूँ बोता था। अब पूरा जीवन काल में गेहूँ ला कैपित पल्लो करे पर थे? अब जीवन काल में तो दुआ पासी है तबो करीब करीब 9-10 क्विंटल हो जाते, तीन अपासी है तो थोड़ा ऐसे ओकर जया पासी कर जाते 1.5 क्विंटल तो ओकर उत्पादन बढ़ते जाते। आखिर हम बात हमने बतावा जिसे गेहूँ पाके का अवस्था मांगे है तो हमारे किसान भाई मन प्रमुख रूप ले का बात के चेत कराए आप मन का सावधानी रखता?
अब एमा भी किसान मन ल अटके हे। आजकल हमारे तीबर धान म गहूँ मन म ज्यादा मूसवे के शिकायत है। काबर जतका जानवर है सांप उप मन तो सब मार मुरा डरे हैं। खेत मन में अतका कन मूसो हो गए जेकर ठिकाने नहीं है। नियंत्रण कैसे करते हो आप मन? अब एक नियंत्रण हबे अब दवाई डार के देथन। अब ओला का है गेहूँ के पिसान में ओला गोली बनाथन छोटे छोटे, हाथ ल धो के फिर आने गोली गेहूँ ल सान के छोटे छोटे गोली बना के जिंक फास्फाइट ल मिला के ओला बिल मन में करथन तो ऐसे बहुत कम तो नियंत्रण वही मल होते। कैसे गम पाता के आपके गेहूँ लो एक लाइक हो गए? अब गेहूँ पहली तो हरियर थे तेकर बाद ओकर कलर हरदम ऐसे बदलत बदलत जाते पीरहू हो जाते वो तो ऐसे देखे में पता चल जाते गेहूँ लुए लाइक हो गए। अच्छा, एक एकड़ में कते कन उत्पादन आप मन लेते हो? अब करीब अभी अभी करीब करीब 12-13 क्विंटल तो ऐसने हो जाते साधारण और कहूँ कहूँ तो 20-22 क्विंटल हो जाते एको एक एको एकड़ है। अच्छा, अच्छा। बाकी पूरा यहाँ वहाँ ले एवरेज ले है, तो उसका करनी आए करीब करीब 11-12 क्विंटल एवरेज तो गेहूँ आ जाते। अच्छा, तो आप मन कते एकड़ में अभी बुआई करे हो गेहूँ के? करीब करीब मैं गेहूँ 60-70 एकड़ के आसपास तो गेहूँ है और करीब करीब 20-22 एकड़ में चना के खेती करे हैं और आऊ है तो ठीक है। बाकी एवरेज 11-12 क्विंटल कम नहीं आवे। आखिरी बात हम जानना चाहते हैं, इतने करने रकबा में आप मन गेहूँ के खेती करे हा, उत्पादन बढ़िया हो गए तो बाजार के व्यवस्था कहाँ है थोड़ा फोर के बताओ। आसपास हम बेचता कैसे करता बेचे बर का करता हो तेल बताओ आप मन। अब अभी तो बीज निगम ले जैसे हम बीज लाथन और वहीं रजिस्ट्रेशन करा देथन तो हमें तो उसका बीज बेचे के समस्या नहीं है और ओकर पहली रही से समस्या बहुत समस्या रही से और ओकना ले गए कम कम खेती करते हैं। अब का बीज निगम हमन के बीज वहाँ लाइन एक ले एक सिलेक्शन बीज आते हाइब्रिड के बीज आते वहाँ ले अच्छा अच्छा बीज मिलते वो बीज मन ला ला के हमन। दीपाल चंदेल जी आज हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम आ के अपन खेती किसानी के अनुभव हमारे किसान भाई मन बताया। निश्चित रूप से आप मन के दे जानकारी ले हमारे कार्यक्रम के देखे या संगवारी मन फायदा उठाई। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम तो संगी हो आप मन देखे ना कि दीपाल चंदेल जी मन कतका सुघर खेती किसानी के अपन अनुभव बताइन। इखर बताए अनुभव ला अपना के अगर खेती करबो तो निश्चित है गेहूँ के उत्पादन हमन अच्छा ढंग ले सकथन। प्रमुख बात आते गेहूँ के हमन बीजा के चुनाव कैसे करी। स्वस्थ बीज अगर चुनाव करथन तो उत्पादन अच्छा होई और स्वस्थ के बात करबो तो स्वस्थ धरा और खेत हरा मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड धरा आप मन के ध्यान में ले जाना चाहता हूँ। आप मन ला जरूर जिन संगवारी मन सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं बना है उमन तुरते अपन क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लंग संपर्क करके ये कार्ड ला बनवा सकते हैं। अब आज के कार्यक्रम कैसे लगी चिट्ठी पत्री लिख के आप मन खचित बताऊ। हमार पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ और एक संग महेंद्र साहूला दौबिदा जय जोहार राम राम।